ओहिजा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जब तूफान फनी के मसले पर ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश में पीएम मोदी हुए नाकाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से चक्रवाती तूफान फनी पर बातचीत करने के लिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह वार्ता नहीं हो सकी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के राज्य का हाल जाना। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के स्टाफ ने ममता बनर्जी से टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए दो बार कोशिश की, लेकिन यह बेकार गई। दोनों ही बार मुख्यमंत्री के स्टाफ की ओर से कहा गया कि हम वापस कॉल कर रहे हैं। एक बार यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दौरे पर बाहर है, लेकिन दोनों ही बार ममता बनर्जी से बातचीत की कोशिश नाकाम हो गई। हालांकि यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान फनी को लेकर राज्य के जमीनी हालात के बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोई बात नहीं कही। वहीं प्रधानमंत्री ने इस मामले पर राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से हुई बातचीत के बारे में ट्विटर पर जानकारी दी है। ग्वालियर में बोले पीएम मोदी, नामदारों के भारत की गरीबी को दुनिया में ब्रांड के तहत बेचा गया है। मोदी ने ग्वालियर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 के इस चुनाव में एक तरफ महामिलावट करने वाले की गाली गलौज झूठ और प्रपंच है और दूसरी तरफ अपने इस सेवक पर जनता का विश्वास है। पीएम मोदी ने कहा कि नामपंथी वामपंथी दमनपंथी राजनीति में हमेशा देश में विकास की गति को रोका है। नामदार दुनिया नेताओं को भारत की गरीबी दिखाने के लिए लाते हैं। इन लोगों ने भारत की गरीबी को दुनिया में ब्रांड के तहत बेचा है। उन्होंने भारत की छवि साफ सफेरे वाले देश की बनाई थी और आज भी बना रहे हैं। आज विदेशी मेहमान आते हैं गंगा आरती की तस्वीर देखने, कुंभ को दिव्यता और भव्यता देखने, और हमने भारत का गौरवता दिखाया। पीएम ने कहा कि यही ग्वालियर में नामदार ने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ नहीं तो मुख्यमंत्री साफ, लेकिन आज पता चल रहा है कि किसानों को बैंक के नोटिस आ रहे हैं, लेकिन नामदार के 10 दिन नहीं आ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में नामदार के जो बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं ना टीवी में, अन्य अन्य का राग ये सुनाते हैं। उसके लिए पैसा गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन कर जुटाया गया है। मेजर गोगोई की वरिष्ठता की जाएगी, कटौती कश्मीर से बाहर होगी पोस्टिंग। वर्ष 2017 में मानव ढाल विवाद को लेकर चर्चा में आए मेजर लितुल गोगोई को वरिष्ठता की कटौती का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उनकी पोस्टिंग भी कश्मीर से बाहर होने जा रही है। हालांकि यह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। सेना मुख्यालय ने उनके एक स्थानीय महिला से दोस्ती कर के मामले में सजा की पुष्टि कर दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी रविवार को दी है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट मार्शल में गोगोई और उनके चालक समीर मल्ला को दो आरोपियों निर्देश के विपरीत एक स्थानीय महिला से दोस्ती करने और अभियान क्षेत्र में रहने के दौरान अपनी ड्यूटी की जगह दूर रहने में दोषी पाया था। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।